पहले राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों को। मैं राकेश बघेल स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल TTC इन्फॉर्मेशन पर। तो आज की वीडियो जो है एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कैसे हो। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप उसमें जो अपने डॉक्यूमेंट ऐड कैसे करें। डॉक्यूमेंट से मतलब है कि आप अपना कंडक्टर लाइसेंस और फर्स्ट एड जो है खुद से ही अपने फ़ोन से कैसे अपडेट करें अपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पर। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन उन भाइयों को जो है याद नहीं है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था या नहीं कराया था, या वो भूल गए हैं, उन्हें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम में जाके हम लिखेंगे ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल delhi.gov.in। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो। तो जैसे ही आप इस पेज पर आओगे तो ऐसा इंटरफेस जो आपके सामने खुल के आएगा। पहले नंबर पर DTE ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल, सेकंड नंबर पर वैलिडेटिंग एक्साइस्टिंग डाटा, तीसरे पे न्यू रजिस्ट्रेशन, चौथे पे जॉब सीकर लॉगिन। अगर आप जो है पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है क्लिक करेंगे और आपके सामने जो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का रजिस्टर है आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो है आपके पास ऐसा जो है कुछ फॉर्म खुल के आ जाएगा। मैं इसे फिल तो नहीं करूँगा, आप लोगों को बता दूँगा कैसे क्या करना है। जैसे ये है आपका कैंडिडेट का सबसे पहले है ये वाला कॉलम, इसमें जो आपको अपना फादर नेम आप अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम। अगर आपका कोई लास्ट नेम है या मिडल नेम है तो वो आप जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और सेकंड है, जितने भी ये लाल स्टार बने हुए हैं ये आपको जो है फिल करने कंपलसरी हैं। तो सेकंड जो है फादर नेम, इसमें जो आप अपने पिताजी का नाम, मदर में माता जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल जो भी है। और ये है अर्बन रूरल, इसमें जो है आप गांव से हैं शहर से हैं, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन कर सकते हैं, गांव से तो रूरल कर सकते हैं। और ये है मैरिटल स्टेटस, इसमें जो आप मैरिड अनमैरिड जो भी है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आते हैं अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स और विडो, ठीक है। और ये है रिलीजन, इसमें आप अपना धर्म लिख सकते हैं, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, बुद्धिस्ट, सभी धर्म है आप जो क्लिक कर सकते हैं। यह कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी आप जो है फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास PH का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस कर सकते हैं वरना नो कर देना। एक्स सर्विस मैन है तो यस करना वरना नो करना, ठीक है। और ये आगे आपकी आई साइड, ये हाइट, चेस्ट, वेट, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इस पे जो है स्टार रेड कलर का नहीं बन रहा जैसे ये बना हुआ है आपका एड्रेस पर, ठीक है, तो इसे आप छोड़ सकते हो। ये है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको जो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, एड्रेस में मकान नंबर वगैरह, लोकेलिटी में नियर बाई वगैरह कुछ भी लिख देना, स्टेट में दिल्ली, पिन कोड अपना और अपना मोबाइल नंबर डाल देना। और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, जो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे तो उसी पे जो आपको OTP आएगा। OTP के लिए देखो ये फिर द्वारा आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे भी वही भर देना जैसे करंट एड्रेस में भरा था आपने। और यहाँ पे जो है आप गेट ईमेल OTP पर टिक करोगे तो आपने जो ऊपर ईमेल आईडी भरी थी उस पर एक OTP आएगा, वो OTP जो आप इस जगह डालेंगे। और जो मोबाइल नंबर है इस पर गेट मोबाइल OTP पे आप क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर पे जो है कोड जाएगा, ईमेल आईडी पे भी कोड जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी, ये दोनों जो है ईमेल आईडी पे जो कोड आएगा वो ईमेल आईडी वाले में, मोबाइल नंबर पे जो कोड आएगा वो मोबाइल नंबर वाले में। और ये कैप्चा, इस कैप्चा को फिल करोगे, सबमिट कर दोगे
तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आईडी बन जाएगी। और उसके बाद जब आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी बन जाएगी तो आपके पास जो है एक कुछ जो है ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा ये वाला। तो जब आप अब आपकी ईमेल आईडी जो है बन चुकी है, ईमेल आईडी बनने के बाद ये 4 नंबर का जो है जॉब सीकर लॉगिन, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये है आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, तो मैं डाल देता हूँ, तो ये डाल दिया। पासवर्ड डाल देते हैं, आपका जो भी पासवर्ड हो वो डाल देना और लॉगिन कर लेना। इसमें जो कैप्चा है, कैप्चा भी फिल कर लेते हैं। और इसे लॉगिन कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन कर देंगे तो आपकी आईडी जो है ओपन हो जाएगी। ये शायद नेट स्लो चल रहा है, हाँ तो ये ओपन हो गई है। तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो पहले पर है मॉडिफाई अपडेशन प्रोफाइल, इसमें जो है ये ऑप्शन आते हैं, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो हमने पहला फॉर्म भरा था वही है, और इसमें आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप जो भी चीज़ें सब चीज़ जो है चेंज कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है तो। ठीक है, तो इसमें तो हम बैक आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर ऐड डिलीट क्वालिफिकेशन स्किल एक्सपीरियंस लैंग्वेज, यही वो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसमें जो आप अपना कंडक्टर लाइसेंस ऐड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कंडक्टर लाइसेंस जो कैसे ऐड करना है। 2 नंबर पर जो आप क्लिक करते हैं, जैसे हम ये क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। थोड़ा टाइम लेता है ये, कोई नहीं, 12:30 हो गए हैं रात के, सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी जल्दी है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपने क्वालिफिकेशन वगैरह तो भर रखी होगी, 10th 12th ITI जो भी आपने कर रखा है। और सेकंड नंबर पे ये जो है ना स्किल डिटेल, इसमें जो है आपको अपना कंडक्टर लाइसेंस ऐड करना है। जैसे सिलेक्ट पे आप ओके करोगे, अब यहाँ पे सर्च करोगे बस कंडक्टर, तो जैसे ही आप बस कंडक्टर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। अभी तो खैर नहीं आया है ये, दोबारा देखते हैं। कंडक्टर, ये आ गया आपके सामने जो बस कंडक्टर, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे, ये आगे है सिलेक्ट फॉर्मल नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग, तो फॉर्मल ट्रेनिंग कर देंगे। एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है फिल करना। रिमार्क, रिमार्क में आप जो है कुछ, अगर जैसे आपके पास अगर कंडक्टर लाइसेंस है तो उसका जो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं, और आपने अभी बनवाया नहीं है या बनवाने वाले हैं तो आप एक काम करना, यहाँ पे जो आप अपना क्या नाम है ये कंडक्टर लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे RRR कैपिटल लेटर में, RRR 2011, 2016, 2022, जैसे 2022 है ऐसे, और ABCD कर देना, ABCD, बस इतना हो गया। ये आपका जो है बस कंडक्टर लाइसेंस हो गया है। और फर्स्ट एड भी आप ऐसे ही कर लेना, ऐड रो वाले पे क्लिक करना, इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो आप मेडिकल असिस्टेंट लिखना है आपको, यहाँ लिख लेते हैं मेडिकल असिस्टेंट, ये आ गया, ये क्लिक कर देना। यहाँ पे भी फॉर्मल ट्रेनिंग, रिमार्क्स में कुछ भी डाल लेना, ये डाल देते हैं। RR कैपिटल में डालना जो भी है, RR 20 22 56 8 जो भी डाल देना। ये आपने कर दिया है। कंडक्टर लाइसेंस में ऐसा करना, कंडक्टर लाइसेंस में आप ये RR वाला डालना,
जो होता है वैसे ही डाल दे देना। तो इससे CL से होता है CL 2022 और 1 2 3 ABCD। इससे क्या होगा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप इसमें जो है कंडक्टर लाइसेंस पहले ऐड कर देते तो इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे वैकेंसी अगर DTC में आती हैं तो उन्हें तो वो आपके पास जो है कॉल लेटर भेज देंगे। जब आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा तो आप वहाँ जा सकते हो जब तक आपका लाइसेंस बन जाएगा। इसका बस ये फ़ायदा है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि पहले मैं अपना जो है कंडक्टर लाइसेंस बनवा लेता हूँ फिर इसमें चढ़वाऊँगा तो ऐसे जो है काफ़ी लेट हो जाएगा आपका सिलेक्शन, तो पहले आप ये काम कर लेना, ठीक है। तो बस ये हमने ऐड कर दिया है और ये हिंदी इंग्लिश से तो होता ही है। बस मेन था आपको बस कंडक्टर लाइसेंस कैसे ऐड करना है तो वो सिखाना था आपको, क्योंकि एक भाई का जो कमेंट आ रहा था वीडियो में कि भाई वीडियो बना, तो मैंने वीडियो बना दी है। अब इसे बस सबमिट पर, अपडेट सबमिट पर क्लिक कर दो, एक्सपीरियंस मांग रहा है, 0 कर देते हैं इस पर, बस अब कर देते सबमिट अपडेट। देखो ये आ गया, ऑनलाइन इम्प्लॉय पोर्टल delhi.gov.in। आर यू श्योर सबमिट डिटेल, यस ओके। बस ये होगी हमारी डिटेल सबमिट, मैं आपको जो है दिखा भी देता हूँ इसका प्रिंट आउट। ये रहा, पहले इसमें देखो कंडक्टर लाइसेंस ऐड नहीं था, अब देखो बस कंडक्टर फॉर्मल ट्रेनिंग, और ये 26 तारीख यानी आज की डेट में जो है अपडेट हो चुके हैं कंडक्टर लाइसेंस भी और फर्स्ट एड भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया, अगर कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने 2014 2015 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है लेकिन उनके पास कोई पर्ची या रिसिप्ट नहीं है और वो अपना जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा ढूँढने की। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, जितनी भी हो सकेगी मैं आपकी जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।